संक्रांति के अवसर पर कोटेरिया में स्थानीय आरजेडी विधायक सुदय यादव की ओर से दही चूड़ा भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महागठबंधन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर विधायक सुदय यादव कहते हैं कि चुनाव में जीत को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी मेहनत किया। महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी को और सहयोगी दल के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की और इसका परिणाम है कि मौजूदा विपक्ष मजबूत और सशक्त भूमिका में है। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी दल पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी जेडीयू अगर साजिश नहीं करती तो सत्ता में नहीं आती। दही चूड़ा भोज के अवसर पर पहुंचे कार्यकर्ताओं को उन्होंने चुनाव में जी तोड़ मेहनत करने के लिए बधाई दी और आभार जताया। जहानाबाद न्यूज के लिए वीरभद्र सिन्हा और गप्पू की रिपोर्ट। पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के साथियों की एक राय हुई थी कि अभी चुनाव के कुछ दिन हुए हैं और हम लोग अपने जो साथी चुनाव के दिनों में जद्दोजहद करके अपने नेता तेजस्वी यादव के पक्ष में मतदान कराया और इतना बड़ा जनादेश दिया, उसके सम्मान में आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और सभी साथी, सभी महागठबंधन के साथी भी, हमारे विधायक भी, सभी अरवल से भी आए हुए हैं, घोसी के भी विधायक हैं, मखदुमपुर के भी, सब लोग साथ सामूहिक रूप से और पूरे जिले के वर्कर आज यहाँ उनके सम्मान में हम लोग चूड़ा दही भोज का आयोजन किए हैं। क्योंकि काफी मेहनत करके बीते दिन जो चुनाव हुआ 1.5 महीने 2 महीने पहले, उसमें सब लोग अपना पसीना बहा करके और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव के पक्ष में जनादेश दिलाने का काम किया है, इसके लिए सर सम्मान पूर्वक हम लोग चूड़ा दही भोज का आयोजन कराए हैं। इसका सिर्फ यही मतलब है कि एक जगह बैठ के सब लोग अपने बात का आदान प्रदान करें, शेयर करें और आगे की जो बात होगी, रणनीति होगी, उसका हम लोग। स्वामी क्या कर रहे हो? मेरा इधर ट्रांसफर हुआ तो मैं अपने इलेक्टोरल रोल में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करता। हमारा तो गांव या शहर दोनों जगह वोटर कार्ड है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। अब इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। अभी ठीक कर लेते। गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एंट्री को हटाने का जिम्मेदारी आपका, समझे? बस www.nvsp.in पर जाएं और अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।